हाय गाइस, आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपर्ली विजिबल है। हेलो हेमंत, हेलो अरवी, हेलो सागर। कोई तो बच्चा है जिसको मेरी क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो सबसे पहले आकर डिसलाइक करके जाता है, तो इट्स ओके, ठीक है। चलिए फिर अपनी आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेलो रवि, शुभ संध्या। बिल्कुल, चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो आज का टॉपिक आपको पता है क्या है ना, आज का टॉपिक है ऑब्ituary न्यूज, यानी कि आज हम जनवरी मंथ में जितनी भी लोगों की मृत्यु हुई है जो इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम पर्पस से, उसको पढ़ेंगे। फटाफट सब सेशन को शेयर कर दिए, बाकी बच्चे जुड़ जाएं, फिर अपने सवालों को स्टार्ट करते हैं। आज टोटल सवाल कितने हैं? आज टोटल सवाल है 29, यानी कि जनवरी मंथ में आपको 29 ऑब्ituरी की न्यूज पढ़नी है और उसको अच्छे से रिवाइज करनी है। ओके, क्लियर है? पॉइंट क्लियर? सवाल आज का पहला देखें, रेडी है सब? कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हुए रखिएगा। और आज का पहला सवाल देखते हैं, ये रहा आज का पहला सवाल। अलीजंगी विश्वनाथ स्वामी who died at 91 was famous person of which profession? यानी कि मैंने आपसे सवाल पूछा है, किसके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा है? अलीजंगी विश्वनाथ स्वामी, जिनकी मृत्यु 51 वर्ष की आयु में हुई है, वो किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ठीक है, लॉयर यानी कि वकील, मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ, राइटर यानी कि लेखक और सोशल एक्टिविस्ट। एको हो रहा है क्या? सबको एको प्रॉब्लम हो रही है? और किसी को भी एको प्रॉब्लम हो रही है क्या? ओके ओके, फिर मुझे 1 मिनट दीजिए। अभी सही है? तो सवाल क्या है? सवाल है अलीजंगी विश्वनाथ स्वामी ये किस प्रोफेशन से थे? ये सोशल एक्टिविस्ट थे। ये क्या थे? ये सोशल एक्टिविस्ट थे, ये समाज सुधारक थे और इनकी 91 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पहला सवाल क्लियर। ध्यान से सब रिवाइज करते हुए चलिएगा, जहां कोई डाउट होगा तो वहां आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सोनी मेहता who died was the visionary head of which publishing company? तो सोनी मेहता जिनकी मृत्यु हो गई, वो किस प्रकाशन कंपनी के दूरदर्शी प्रमुख थे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और काफी कम इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको मुझे बताना है सोनी मेहता इनमें से किस पब्लिशिंग कंपनी के हेड थे? वो उस पब्लिशिंग कंपनी के विजनरी डायरेक्टर थे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए फटाफट मुझे सर इसका आंसर कर दीजिए। ओके, और यहाँ सही जवाब है एल्फ्रेड ए नोफर। क्या है? एल्फ्रेड ए नोफर। इस कंपनी के ये विजनरी हेड, प्रकाशन कंपनी के ये हेड थे और यही करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्लियर है? अभी तक दोनों सवाल क्लियर हुआ? नहीं हुआ मुझे ये बताइए। ठीक है, चलिए विकास सबनीस, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। विकास सबनीस who passed away at 69 was a famous person of which profession? तो विकास सबनीस जिनका 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, वो किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपसे वापस से बोल रही हूँ। ये जर्नलिस्ट थे, ये एथलीट थे, ये म्यूजिशियन थे और ये कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, नाम क्या है? नाम है विकास सबनीस और ये क्या बहुत फेमस थे? ये भारत के बहुत फेमस कार्टूनिस्ट में गिने जाते थे। ठीक है, ये भारत के बहुत फेमस कार्टूनिस्ट में गिने जाते थे। ओके अच्छा, कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट है, वापस से बोल रही हूँ, एग्जाम में आपको मिल सकता है क्योंकि ये बहुत फेमस कार्टूनिस्ट में भारत के गिने जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, देवी प्रसाद त्रिपाठी who died age 70 belong to which political party? तो देवी प्रसाद त्रिपाठी जिनकी 70 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, ये किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? बीजेपी, आईएनसी, एनसीपी और टीएमसी। क्या नाम है? देवी प्रसाद त्रिपाठी। क्या कोई मुझे बता सकता है देवी प्रसाद त्रिपाठी किस राज्य से इस पार्टी के मेंबर थे? हेलो नितिन, यस, कोई बात नहीं नितिन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देवी प्रसाद त्रिपाठी ये एनसीपी के मेंबर थे। किसके थे? एनसीपी के। 2018 में ये इस पार्टी से जीते भी थे और आपको मुझे ये बताना है ये किस राज्य से आते हैं। वॉइस एको, क्या वॉइस एको की प्रॉब्लम अभी भी हो रही है क्या? ठीक है, ये महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनसीपी। ओके, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है लगातार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ। चलिए, तब तक आप मुझे अगले सवाल का आंसर दीजिए, तब तक मैं इस पर काम करती हूँ। टीएच पांडियन वॉज द फॉर्मर स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? एनसीपी फुल फॉर्म अभी मैं बताती हूँ आपको, एनसीपी का फुल फॉर्म अभी सही है। चलिए ठीक है, P.H. Pandian was the former speaker of which state assembly? P.H. Pandian किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे? ठीक है, तो P.H. Pandian के बारे में मैंने आपसे पूछा है ये किस राज्य की बेसिकली पार्टी के फॉर्मर स्पीकर थे, तो राज्य आपको मुझे बताना है। और P.H. Pandian का जो पूरा नाम था वो था पॉल हेक्टर पांडियन। क्या नाम था? पॉल हेक्टर पांडियन। और यहाँ सही जवाब है तमिलनाडु। सही नहीं हो रहा, अच्छा मैं देखती हूँ, ऐसा जनरली होता तो नहीं, आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी अभी। तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ओके, एक बार मैं खुद भी सुन लेती हूँ। ठीक है, भीमचंद्र जना was a freedom fighter who recently died at 107. He belonged to which state? हाँ, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम तो हो रही है। ठीक है, मैं देखती हूँ अभी क्लास के बाद क्यों ये दिक्कत हो रही है। भीमचंद्र जना एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ये किस राज्य से आते हैं? ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा, यहाँ आपसे एग्जाम में एक सवाल और पूछा सकता है, हो सकता है आपसे राज्य ना पूछकर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भीमचंद्र जना ये क्या थे, तो ध्यान रखिएगा ये फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखिएगा भीमचंद्र जना ये फ्रीडम फाइटर थे, ये वेस्ट बंगाल से थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैं देखती हूँ आई गेस कुछ तो माइक में घूम गया होगा, इसीलिए वॉइस एको हो रही है बार बार। टीएन चतुर्वेदी who recently passed away at 90 was the former governor of which state? टीएन चतुर्वेदी जिनका अभी हाल ही में 90 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है, वो इनमें से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे इसका आंसर करिए। यस, ठीक है, मैं देख लूंगी माइक में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको मुझे टीएन चतुर्वेदी के बारे में बताना है। तो मैं आपको बता दूं, टीएन चतुर्वेदी 2002 में राज्यपाल बनाए गए थे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर। क्वेश्चन टोटल 29 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 29 और यहाँ सही जवाब है कर्नाटका। क्या है करेक्ट आंसर? कर्नाटका। ओके, तो टीएन चतुर्वेदी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 2002 में कर्नाटका के बेसिकली गवर्नर राज्यपाल बनाए गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रेमनाथ हुन who passed away at 90 was a noted person of which profession? तो आपको मुझे प्रेमनाथ हुन के बारे में बताना है जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो इनमें से किस फील्ड के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ठीक है, तो ये वेस्टर्न कमांड के, ये बेसिकली लेफ्टिनेंट कर्नल थे और ये वेस्टर्न कमांड को लीड कर रहे थे। नाम है इनका प्रेमनाथ हुन। प्रेमनाथ हुन ये आर्मी ऑफिसर थे, कहाँ थे? वेस्टर्न कमांड के। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मी ऑफिसर। ठीक, ओके रश्मि, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अकबर पद्मसी who passed away at 91 was famous person of which field? अकबर पद्मसी जिनकी मृत्यु 91 वर्ष की एज में हुई है, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ये सवाल भी आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकबर पद्मसी के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, हेड थे, वेस्टर्न कमांड को लीड कर रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। ठीक है, अकबर पद्मसी ये बहुत फेमस आर्टिस्ट थे। क्या थे ये? बहुत फेमस आर्टिस्ट थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलाकार। ठीक है, क्लियर है? पेंटर थे, यस बिल्कुल। चलिए, इनका जो नाम है वो हमारे देश के जो फेमस पेंटर है उनमें काउंट किया जाता है, तो अकबर पद्मसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, क्वाबूस बिन सैद अल सैद। ठीक है, क्वाबूस बिन सैद अल सैद जिनका हाल ही में 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, ये किस देश के सुल्तान थे? इम्पोर्टेंट सवाल है, भारत से इनका काफी इम्पोर्टेंट रिलेशन था, इन्होंने अपनी पढ़ाई भारत से ही की थी। क्वाबूस बिन सैद अल सैद। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु के बाद इनके चचेरे भाई ये सक्सेसर बने, जिनका नाम है हैथम बिन तारिक अल सैद। और ये देश कौन सा है? ये देश है ओमान। ठीक है, तो ये ओमान के सुल्तान थे। ये अरब देशों में अब तक के सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले रूलर थे और इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसकी मृत्यु हुई है ओमान के सुल्तान थे और इनके बाद जो नए बने हैं वो है तारिक अल सईद। वॉइस डबल, हाँ प्रदीप कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने सही करने की कोशिश की है बट वो सही हो नहीं रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा। अभी क्या आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? अभी क्या आवाज आ रही है कि मैंने माइक हटाया है? मुझे ये बताइएगा, आवाज आ रही है क्या? वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, चलिए तो मैं अभी बिना माइक के आपको पढ़ा रही हूँ। हेलो मोनिशी, ओके। गोपीनाथ गजापति नारायण देव who recently died at 76 was a famous person of which profession? ओके, गोपीनाथ गजपति नारायण देव जिनका हाल ही में 76 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, वो इनमें से किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? डॉक्टर, फिजिसिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट। ओके, तो याद रखिएगा, गोपीनाथ गजपति नारायण देव ये किस राज्य से आते थे, कोई मुझे बता सकता है क्या? देखिए आंसर हर कोई करेक्ट कर रहा है। करेक्ट आंसर है पॉलिटिशियन, यानी कि राजनेता। ये किस राज्य से आते थे, कोई मुझे बताएगा? यस बिल्कुल, ये ओडिशा से आते थे, बिल्कुल सही जवाब है। नहीं, ओडिशा से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा के ये फॉर्मर एमपी रह चुके हैं और इनकी मृत्यु हुई है। ध्यान रखिएगा, पॉलिटिशियन। ओके, यस। चिंतामणि मूर्ति who passed away was a famous person of which profession? चिंतामणि मूर्ति जिनका अभी निधन हुआ है, ये इनमें से किस पेशे से आते हैं? ओके चलिए गुड, अच्छी बात है। मैं आज बिना माइक के पढ़ा रही हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वॉइस क्लियर रहेगी। ठीक है, माइक मेरे हाथ में है। ओके चलिए, चिंतानंद मूर्ति, आपको मुझे बताना है ये किस पेशे के प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड लिखे हैं। सबसे पहले एपिग्राफिस, एपिग्राफिट का मतलब होता है जो पूरा लेख वर्ग का होता है। दूसरा है पैलियोग्राफिस, जो प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करता है, फिलोसोफर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर क्या है आपको मुझे बताना है, और यहाँ करेक्ट आंसर है एपिग्राफिस, यानी कि ये पूरा लेख विद्ता थे। जो पुरातत्व की हमारी चीजें हैं उनका ये अध्ययन करते थे चिदानंद मूर्ति। यस बिल्कुल, ये कर्नाटका से आते थे। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पोलो गॉटलेटस who died at 40 was a famous person of which game? पोलो गॉटलेटस, जिनकी मृत्यु अभी 40 वर्ष की एज में हो गई, वो इनमें से किस खेल से रिलेटेड थे? मोटर बाइक राइडर, पोलो प्लेयर, गोल्फर और स्नूकर प्लेयर। अच्छा, अगर आप ग्रुप पर हैं टेलीग्राम पे, तो मैंने आज ही आपको एक सवाल पूछा था जहां मैंने आपसे डेकर वैली जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था उसका मैंने आपसे विनर पूछा था। ठीक है अनुसार, मैं भी समझा दूंगी। ओके चलिए, ये मोटर बाइक राइडर थे। ये क्या थे? ये मोटर बाइक राइडर थे, और डेकर रैली जो हुई थी सऊदी अरेबिया में उसी में एक्सीडेंट के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटर बाइक राइडर। क्या मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ है? कोई बात नहीं, तो करेक्ट आंसर है मोटर बाइक राइडर। कैसे इनकी मृत्यु हुई है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनमोहन मोहापात्रा who recently died at 69 was a famous person of which field? तो आपको मुझे बताना है मनमोहन मोहापात्रा, आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये उड़ीसा से हैं, जिनकी हाल ही में 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, वो इनमें से किस फील्ड के प्रमुख या प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ठीक है, तो इनको बहुत फेमस फिल्म मेकर यानी कि फिल्म निर्माता उड़िया इंडस्ट्री का माना जाता था, और इनकी अभी हाल ही में 69 एज की पर मृत्यु हो गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिल्म मेकर यानी कि फिल्म निर्माता। क्लियर, तो याद रखिएगा मनमोहन मोहापात्रा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लियांग जुन, इंपॉर्टेंट सवाल है। लियांग जुन अ फेमस ट्रैक्टर ड्राइवर who died at 91 belong to which country? लियांग जुन जो एक प्रसिद्ध ट्रैक्टर चालक थी, उनका 91 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, वो किस देश से थी? जापान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये इस देश की पहली और दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट फीमेल ट्रैक्टर ड्राइवर थी, और इनका देश कौन सा था? इनका देश है चाइना। चाइना की जो करेंसी है उस करेंसी पर भी इनकी फोटो छपी हुई है, एक एडिशन निकाला गया था जहां चाइना की करेंसी पर इनकी फोटो थी, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। तो याद रखिएगा लियांग जुन ये चाइना की पहली और दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट ट्रैक्टर ड्राइवर फीमेल थी, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। यस बिल्कुल सही है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये सी होगा। रॉकी जॉनसन who died at 75 was a famous person of which field? तो रॉकी जॉनसन जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो इनमें से किस फील्ड के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? WWE रेसलर, स्केटर, डर्ट बाइकर और स्कूबा डाइवर। देखिए हो सकता है आप लोगों ने इनको नहीं देखा हो, बट हम सब ने इनके बेटे को देखा है। ठीक है, तो द रॉक के नाम से फेमस दुनिया के सबसे अमीर बोल सकते हैं आप किस दिन को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं वर्ल्ड में एज अ एक्टर। मैं बात कर रही हूँ ड्वेन जॉनसन की यानी कि द रॉक की। द रॉक के ये फादर थे और ये WWE रेसलर थे, ठीक है। Yes. तो याद रखिएगा रॉकी जॉनसन ये WWE रेसलर थे, ये ड्वेन जॉनसन के फादर थे और ये किस फील्ड से मैं आपको समझा चुकी हूँ। Yes. अश्विनी कुमार चोपड़ा who recently passed away was a famous person of which field? तो अश्विनी कुमार चोपड़ा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो इनमें से किस फील्ड के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? Yes. कुशाल बिल्कुल करेक्ट है। लॉयर, जर्नलिस्ट, आर्किटेक्ट और फ्रूट प्लेयर। देखिए जब द रॉक खेलते थे मतलब मेरे बचपन में मैंने WWE बहुत देखा है। Yes. तो अश्विनी कुमार चोपड़ा के बारे में आपको मुझे बताना है। लॉयर, जर्नलिस्ट, आर्किटेक्ट, फ्लूट प्लेयर, ठीक है। तो अश्विनी कुमार चोपड़ा ये बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे यानी कि पत्रकार थे और इनकी मृत्यु हो गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार। ओके याद रहेगा अश्विनी कुमार चोपड़ा। हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बापू नंदन करनी, क्या नाम है बापू नंदन करनी, जिनका 96 की एज में मृत्यु हुई है वो इनमें से किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? तो आपको मुझे बापू नंदन करनी के बारे में बताना है वो इनमें से किस स्पोर्ट से आते हैं ये आपको मुझे बताना है। गोल्फर, हॉकी प्लेयर, क्रिकेटर और एथलीट। ठीक है आपके नाके तब मास्क पहनता था बिल्कुल, ठीक है। तो बापू नंदन करनी ये क्रिकेटर थे और इनकी 96 की एज में मृत्यु हो गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रिकेटर। डन। यस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शमशेर सिंह सुरजेवाला हु डाइड एट 87 वाज अ फॉर्मर कांग्रेस MLA फ्रॉम विच स्टेट? शमशेर सिंह सुरजेवाला जिनकी 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है किस राज्य के पूर्व कांग्रेस विधायक थे? आप सब ने इनके बेटे को टीवी पर बहुत बार देखा होगा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मैं बात कर रही हूँ किसका, जरा फटाफट मुझे शमशेर सिंह सुरजेवाला के बेटे का नाम बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है रणदीप। Yes. रणदीप सिंह सुरजेवाला आप सबने देखा होगा ये हरियाणा राज्य से ये भी आते हैं और इनके जो पिताजी थे वो भी हरियाणा राज्य से ही कांग्रेस के फॉर्मर MLA थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। ठीक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुनंदा पटनायक who recently died at 85 was a famous person of which profession? तो आपको मुझे सुनंदा पटनायक के बारे में बताना है। सुनंदा पटनायक इनमें से किस फील्ड से आती हैं? ये बहुत फेमस थी। नितिन नहीं, क्यों वापस से वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है सुनंदा पटनायक ये किस राज्य से आती हैं? ये उड़ीसा से आती हैं। आप इनके पटनायक के नाम से ही समझ सकते हैं और ये बहुत फेमस सिंगर थी, गायक थी और इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गायक। क्लियर। चलिए फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। इनका जो मेन स्टेट था वो कोलकाता नहीं था, वो उड़ीसा था। चलिए मनमोहन सूद who recently died at 80 was a former player of which game? मनमोहन सूद जिनका हाल ही में 80 वर्ष की एज में निधन हो गया था वो इनमें से किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे? इनको कोई अवार्ड सुनना पड़ना है मुझे ऐसे याद नहीं है। बैडमिंटन और क्रिकेट के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है लेकिन मनमोहन सूद का जो गेम है वो क्रिकेट था। क्या था ये फेमस, ये बहुत फेमस तो नहीं मैं बोल सकती, बट मनमोहन सूद ये क्रिकेटर थे और आपको याद रखना है ये नेशनल टीम के सेलेक्टर भी थे, ये भारतीय टीम के सेलेक्टर भी रह चुके हैं और ये क्रिकेट से आते हैं। मैं बात कर रही हूँ मनमोहन सूद की। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रिकेटर। चलिए अगला सवाल देखिए। टेरी जोन्स who recently died at 77 was a famous person of which profession? तो आपको मुझे टेरी जोन्स के बारे में बताना है वो इनमें से किस फील्ड से रिलेटेड थे। सिंगर यानी कि गायक, एक्टर यानी कि अभिनेता, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार और इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री। यस, ठीक है, तो टेरी जोन्स जो थे ये बहुत फेमस एक्टर थे यानी कि अभिनेता थे, हॉलीवुड के ये एक्टर थे और इनकी मृत्यु हो गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिनेता। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विनय सिन्हा हु पास्ड अवे वाज अ फेमस पर्सन ऑफ व्हिच फील्ड? आपको मुझे विनय सिन्हा के बारे में बताना है। विनय सिन्हा क्या थे? फेमस इकोनॉमिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर, कार्टूनिस्ट और एक्टर। ठीक है, फटाफट मुझे विनय सिन्हा के बारे में बता दीजिए। चलिए, तो सवाल मेरा समझ गए आप किसके बारे में मैं पूछ रही हूँ? विनय सिन्हा के बारे में। और विनय सिन्हा फेमस फिल्म प्रोड्यूसर थे, ये फिल्म निर्माता थे और इनकी मृत्यु हो गई है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिल्म निर्माता या फिल्म प्रोड्यूसर। ओके, चलिए। शेर सिंह कुक्कल who died at 86 was famous person of which field? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मुझे शेर सिंह कुक्कल के बारे में बताना है ये किस फील्ड से आते हैं। अंदाज़ अपना अपना, यस, ठीक है, तो आपको मुझे शेर सिंह कुक्कल के बारे में बताना है। ओके, तो शेर सिंह कुक्कल कौन थे ये आपको मुझे बताना है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है और ये फेमस स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार थे। कौन थे ये? फेमस स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार शेर सिंह कुक्कल। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कोबे ब्रायंट who recently died was associated with which sport? He was legend, legend means legend ही थे और ये किस खेल से जुड़े थे ये आपको मुझे बताना है। कोबे ब्रायंट, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी, ये बहुत फेमस प्लेयर थे। आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैं आपको बोल दूं आज के दिन का ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और कोबे ब्रायंट ये बास्केटबॉल प्लेयर थे। क्या थे ये? बास्केटबॉल प्लेयर, बहुत फेमस थे। आपको दिमाग में इसे बैठा लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये बास्केटबॉल के लेजेंड थे, ठीक। चलिए, सुनीता चंद्रा who died at 76 belong to which sports? सुनीता चंद्रा जिनकी मृत्यु 76 वर्ष की एज में हुई, ये किस खेल से संबंधित थी? यस, तो सुनीता चंद्रा का स्पोर्ट आपको मुझे बताना है, ठीक है। ये इंडियन टीम के लिए भी खेल चुकी हैं, ये बहुत टाइम से बीमारी से जूझ रही थी और ये हॉकी प्लेयर थी, ठीक है। तो सुनीता चंद्रा का अगर मैं आपसे स्पोर्ट्स पूछूं तो आप आंसर क्या करेंगे? सुनीता चंद्रा का स्पोर्ट्स था हॉकी। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। वीरखो ओ योशू वाज द फॉर्मर असेंबली स्पीकर ऑफ विच स्टेट? वीरखो ओ योशू किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर थे ये, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। रेलवे में स्पोर्ट्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है शिवम? स्पोर्ट्स का मैं आपको नहीं बोल सकती, बट आप रेलवे में ये मानकर चलिए कि आपको 11 से लेकर 12 सवाल सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से मिलने वाले हैं। यानी कि करंट अफेयर्स आपके स्कोर को बिल्कुल बदल सकता है। इसीलिए मैं करंट अफेयर्स पे इतना ज्यादा आप लोगों के लिए जोर दे रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं 11-12 सवाल बहुत ज्यादा होते हैं किसी एक पेपर में, ठीक है। और वीरखो ओ येशू ये नागालैंड के फॉर्मर असेंबली स्पीकर यानी कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ रेलवे के लिए, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ से बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं, क्योंकि एसएससी भी आपसे 10 से लेकर 11 सवाल करंट अफेयर से पूछता है 25 सवालों में। तो अगर 25 सवालों में 10 सवाल आ रहे हैं करंट अफेयर से, तो आप समझ सकते हैं ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल, मिनाती मिश्रा वॉज इमिनेंट वेटरन डैश डांसेस, यानी कि इनमें से किस डांस फॉर्म की फेमस है ये मिनाती मिश्रा? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक। यूपीएससी में, देखिए यूपीएससी में भी आपको करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल मिलते हैं। यूपीएससी भी करंट अफेयर से बहुत, मैं तो ये बोलूंगी यूपीएससी जो हिस्ट्री या स्टैटिक या इकोनॉमिक्स से सवाल बनाता है वो करंट अफेयर से ही उठाता है, ठीक है। तो मिनाती मिश्रा ये ओडिसी डांस फॉर्म की लेजेंड थी और इनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी सवाल। तो इसी के साथ हमने जनवरी महीने का एक और टॉपिक ऑब्ituरीज का भी कवर कर लिया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को, अगर संडे क्लास नहीं भी लूंगी तब भी मैं आप लोगों को वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगी क्वेश्चन रिवीजन की, चाहे वो रिकॉर्डेड ही क्यों ना हो, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो सके और आप इसका कई बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। देखिए मैं आपको वापस से बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट रेलवे में आपको कम से कम 11 से 12 सवाल सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से मिलने वाला है। एसएससी में आउट ऑफ 25 आपको कम से कम 9 से लेकर 10 सवाल करंट अफेयर से मिलेगा। यूपीएससी जो सवाल पूछता है ना, कुछ सवालों को छोड़ दिया जाए तो यूपीएससी आपसे करंट अफेयर के ही सवाल घुमाकर पूछता है, चाहे वो हिस्ट्री पूछे चाहे वो पॉलिटी पूछे। तो आपके लिए करंट अफेयर आपके आने वाले हर एक एग्जाम में, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कम से कम यहाँ भी 10-11 सवाल मिलने वाला है। निखिल मैं जल्दी ही करूंगी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मोबाइल पर अनअकैडमी ढंग से नहीं चल पाता है, और क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास में हैं तो मैं ये नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का क्लास मिस हो, इसीलिए मैं अभी अपनी सारी क्लास यूट्यूब पर कर रही हूँ ताकि बच्चों को क्लासेस आसानी से मिल सके, ठीक है। बैंकिंग, ओके मैं एक क्वेश्चन भूल गई हूँ, जरा मैं आपको बैंकिंग भी बता दूं। बैंकिंग के जो बच्चे हैं उनको 40 में से कम 30 सवाल करंट अफेयर से मिलने वाला है, ठीक है। बैंकिंग वाले बच्चे आपको 40 में से कम 25 से लेकर 30 सवाल सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए बैंकिंग में तो करंट अफेयर इज लाइक एवरीथिंग। अगर आपने बैंकिंग में करंट अफेयर अच्छे से कर लिया है तो आपको जीके सेक्शन में, आपका जीए सेक्शन में कोई भी कट ऑफ या आपके मार्क्स स्कोर करने से नहीं रोक सकता। यस, बैंकिंग में बहुत सवाल आते हैं। बैंकिंग में 30 सवाल कम से कम आउट ऑफ 40 आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से मिलते हैं। ओके गुड, बढ़िया। बैंक आरआरबीपीओ, आरआरबीपीओ की मेंस की डेट एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर मैं आप लोगों के लिए फटाफट इसका रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी। रवि मैं मंडे से कोशिश करूंगी कि मैं 11 बजे वाली जो क्लास है उसको रेगुलर कर दूं, ठीक है। अभी थोड़ा सा घर होने के कारण मेरी 11 बजे वाली क्लास मिस हो रही है, बट मैं बहुत ही जल्दी 11 बजे वाली जो क्लास है उसको रेगुलर कर दूंगी, ओके। हिमेंद्र जैसे ही आरआरबीपीओ का रिजल्ट आएगा मैं तुरंत ही आप लोगों के लिए रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर दूंगी, जितने भी बैंकिंग वाले बच्चे हैं। कल का टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक आई गेस डिफेंस है, ठीक है। कल का टॉपिक डिफेंस एंड साइंस के क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं कभी मिलाऊंगी कभी मैं, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ये मेरी गारंटी है, मैं आपके एग्जाम्स में आपको एक भी सवाल करने से छोड़ने नहीं दूंगी, बट आपको मेरे साथ बने रहना है। मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका आपको रेगुलर रिविजन करना है। डन? चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। आकांक्षा, यस, जनवरी महीने के सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। जनवरी में इतनी ही मौतें हुई थी।